जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 चल रहा है इंग्लैंड में और भारत ने अब तक जितनी भी मैचेस खेले हैं एक में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है भारत को। और अब भारत और इंग्लैंड के बीच में 30 तारीख को मैच होने वाला है और उस मैच में भारत दूसरे कलर की टी शर्ट पहनने वाला है, ऐसी न्यूज़ पहले से ही बाहर आ चुकी थी और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी पर फुल स्टॉप लग जाता है क्योंकि ऑफिशियली इस पर कुछ बात बाहर निकल कर आई है, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ICC अलाउ करती है एक टीम को दो टी शर्ट पहनने के लिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए न्यूज़ बाहर निकल कर के आ रही है नाइक। अब देखिए इसे दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, यूरोपियन स्टाइल में देखें तो नाइक प्रोनाउंस करते हैं और अगर हम अमेरिकन स्टाइल में देखें तो नाइकी प्रोनाउंस किया जाता है। अब मैं इस वीडियो में इसे नाइक प्रोनाउंस करूंगा। तो नाइक ने ऑफिशियली ऑरेंज जर्सी इंडियन क्रिकेट टीम की अनवेल की है और ये जो जर्सी है ये भारत इंग्लैंड के साथ होने वाले मैच में, जो कि संडे को होने वाला है, उसमें पहनने वाली है। अब देखिए इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी जो है वो पहले से ही छिड़ चुकी थी जब इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स इस तरीके की टी शर्ट में दिखाई दिए थे। तब से ही ये जो न्यूज़ है ये स्प्रेड हो रही थी कि भारत सेफ्रॉन कलर की टी शर्ट पहनने वाला है और इस पर जो अपोजिशन के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। उन्होंने कहा था कि टुडे जर्सीज आर बीइंग मेड सेफ्रॉन, मोदी जी द पर्सन हु डिसाइडेड कलर ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज मुस्लिम लीडर। If you want to pick a color for the jersey, pick the tricolor. I won't mind. But it will be unjust if you paint everything saffron. People should oppose it. तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट पर टारगेट कर रहे थे कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को भी सैफ्रॉन में बदलना चाहती है, पूरे देश को ही सैफ्रॉन में बदलना चाहती है। अब देखिए जो इंडियन क्रिकेट टीम सैफ्रॉन कलर की टी शर्ट पहनने जा रही है इसके पीछे का तर्क ये भी दिया जा रहा था कि इंग्लैंड और इंडिया दोनों की टी शर्ट का कलर सिमिलर है, इसलिए डिस्टिंग्विश होने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम दूसरी टी शर्ट, दूसरे कलर की टी शर्ट जो है वो अपना रही है। अब देखिए जो नई टी शर्ट यहाँ पर नाइक ने अनवील की है वो इस तरीके की है। इंडियन क्रिकेट टीम जो इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा है 30 तारीख को, इस तरीके की टी शर्ट पहने हुए आपको दिखाई देगा। अब देखिए इंडियन क्रिकेट टीम क्या इस तरीके की दो टी शर्ट अपना सकती है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में दो कलर की टी शर्ट पहन सकती है, क्या ICC इसे अलाउ कर सकता है, तो ICC के रूल्स क्या कहते हैं वो भी समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर रूल्स क्या कहते हैं कि 10 नेशंस जो कॉम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, उसमें से 8 नेशन जो है उनके पास अल्टरनेट जर्सी रहनी चाहिए और इसे अवे किट कहते हैं। अब इंडिया जो है वो अवे जर्सी मतलब अवे किट पहनने वाली है सिर्फ इंग्लैंड के अगेंस्ट में और ये इसीलिए किया गया है ताकि जो क्लैश ऑफ कलर्स है वो अवॉइड किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हो ICC ने क्या रूल्स दिए हैं। फॉर टेलीवाइज्ड ICC इवेंट्स ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 2 डिफरेंट कलर्ड किट्स एक्सेप्ट फॉर दी होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री कौन सी है, तो इंग्लैंड है, उनके पास 2 कलर्ड किट नहीं रह सकते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टिसिपेटिंग टीम है उनके पास 2 डिफरेंट कलर किट रहने चाहिए। हु हैज़ अ प्रिफरेंस इन द चॉइस ऑफ कलर एंड मे इफ इट चूज टू डू सो प्रोवाइड ओनली 1 कलर किट टू बी वॉर्न इन ऑल द मैचेस थ्रू आउट द इवेंट। तो इस तरीके के निर्देश आए थे ICC की तरफ से, इसीलिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही भारत एक अल्टरनेटिव टी शर्ट जो है, अल्टरनेटिव कलर्ड किट जो है ये अपना रहा है। तो क्या सिर्फ भारत ही दूसरे कलर की टी शर्ट पहन रहा है या दूसरे कलर की किट अपना रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अल्टरनेटिव किट जो है वो अवेलेबल है, अल्टरनेटिव कलर जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पर बांग्लादेश का देख सकते हो, नॉर्मली बांग्लादेश ये कलर की किट जो है वो अपनाता है, लेकिन बांग्लादेश इस ICC वर्ल्ड कप में अल्टरनेटिव किट जो है वो रेड कलर की अपना रहा है। उसी के साथ आप साउथ अफ्रीका का भी अल्टरनेटिव टी शर्ट जो है वो देख सकते हो, अल्टरनेटिव कलर्ड किट जो है वो देख सकते हो, और उसी के साथ साथ श्रीलंका जो है उनके भी पास भी अल्टरनेटिव किट है और अफगानिस्तान जो है उनके पास भी यहाँ पर अल्टरनेटिव कलर्ड किट जो है वो देखी जा सकती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिर्फ भारत नहीं है जो अल्टरनेटिव कलर्ड किट अपना रहा है, लेकिन बाकी भी कंट्रीज है जो अल्टरनेटिव कलर्ड किट जो है वो अपना रही है।
तो जो भी आईसीसी वर्ल्ड कप देख रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के साथ होने वाले मैच में इस कलर की टी शर्ट में देखने वाली है। आपको इस पर क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।